यहाँ पे देख लीजिए, इसके अंदर पानी रख के ना मैं आपको टेस्ट करवाऊंगा। बेसिकली डीजल इंजन के साथ हुआ था, पेट्रोल के साथ नहीं हुआ था। इतना वाइब्रेशन आ रहा है, ये एक आइडियल सिचुएशन है। इस आइडियल सिचुएशन में इतना वाइब्रेशन आपको फील होगा क्योंकि गाड़ी एक्टिव है ना, एक्टिव कंडीशन में इतना होता है। ऑटोमेटिक के अंदर कोई डिफरेंस है या फिर नहीं है वो भी आप यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए। देख लीजिए, ये भी 3 सिलेंडर वाला इंजन है क्योंकि ये भी पेट्रोल इंजन है। और जैसे हम इसके अंदर यहाँ पे इस चीज़ को रखे तो अभी आप देख लीजिए इतना वाइब्रेशन आपको फील होगा, पेट्रोल हो या फिर डीजल हो। मैं यहाँ पे बताऊँ दोनों गाड़ी के अंदर। हाय गाइस, वेलकम टू मोटरवेन। मोटरवेन पे आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। आज हम आपको फिर से महिंद्रा 100 TXO दिखाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम दो एक्सट्रीम वेरिएंट दिखाएंगे। दोनों ही वेरिएंट फीचर लोडेड आपको देखने को मिलता है। मेरे राइट साइड पे ये रेड कलर के साथ जो गाड़ी देख रहे हो ये है AX5 वेरिएंट, नॉर्मल AX5 पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ। और लेफ्ट साइड पे ये ब्लू कलर के साथ आपको जो गाड़ी दिखाई दे रहा है ये गाड़ी एकदम टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट, दैट इज कॉल्ड द AX7L। दैट मींस यहाँ पे आपको लेवल 2 एडास भी देखने को मिलता है। अगर हम प्राइसिंग की बात करें, अगर आप AX7L अगर आप मैनुअल ट्रांसमिशन में लेंगे तो इसका प्राइस आएगा 14 लाख रुपीज एक शोरूम, 14 लाख एक शोरूम में आएगा। जैसे आप इसकी ऑटोमेटिक में परचेस करेंगे तो इसका प्राइस बनेगा 15 लाख 49,000 एक शोरूम। दैट मीन्स मैनुअल की कंपेरिजन में ऑटोमेटिक में जाएंगे तो आपको 1.5 लाख के आसपास पैसा एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। लेकिन AX5 की बात करेंगे, AX5 मैनुअल ट्रांसमिशन में जो गाड़ी हमारे पास अभी आप देख रहे हो इसका प्राइस है 10 लाख 70,000 एक शोरूम। जैसे इसके ऑटोमेटिक में जाएंगे तो इसका प्राइस बनेगा 12 लाख 10,000 रुपीज एक शोरूम प्राइस। तो यहाँ पे दोनों ही पेट्रोल इंजन के साथ है, दोनों के साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे और पैसा क्यों इसके अंदर ज्यादा लग रहा है, क्या ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है या फिर अभी भी AX5 वेरियंट ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लोग, हमारे पिछले जो वीडियो था वहां पे हमने इंजन टेस्ट भी किया था, वहां पे वो गाड़ी डीजल इंजन के साथ था, तो लोगों ने कमेंट्स किए थे कि डीजल इंजन का टेस्ट तो आपने दिखा दिया, एक पेट्रोल इंजन का टेस्ट भी दिखाइए। तो हम पेट्रोल इंजन में आपको टेस्ट करके दिखाने वाले, दोनों के अंदर ही पेट्रोल इंजन है, एक मैनुअल में है, एक ऑटोमेटिक में, तो दोनों के अंदर ना आप हम सेपरेट करके दोनों को दिखाएंगे और दोनों में जो वाइब्रेशन है वो भी आपको चेकआउट करवाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। चलिए फिर वीडियो शुरू कर लेते हैं। ओके, हम पहले दोनों के इंजन टेस्ट कर लेते हैं क्योंकि हमें वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि यहाँ पे साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे। पहले इंजन दिखा देते, दोनों पेट्रोल इंजन है, दोनों को मैंने ऑन करके रखे, एक एक करके सबको अपना मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। पहले इस गाड़ी का चेकआउट करवा देते, लेकिन उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इसको यहाँ पे फिट करना पड़ेगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर, इंजन ऑन है तो मुझे क्या जरूरत पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा पानी की जरूरत पड़ेगा, मेरे पास ऑलरेडी है। तो आप यहाँ पे देखेंगे, क्लोज आएंगे, मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देख लीजिए इसके अंदर पानी रख के ना मैं आपको टेस्ट करवाऊंगा। बेसिकली डीजल इंजन के साथ हुआ था, पेट्रोल के साथ नहीं हुआ था। तो पहले आप इंजन देख लीजिए, यहाँ पे 3 सिलेंडर वाला इंजन है, दैट मीन्स ये पेट्रोल इंजन है। और इसके ऊपर अगर मैं रखूँ यहाँ पे तो अभी आप देख लीजिए इतना वाइब्रेशन आ रहा है, ये एक आइडियल सिचुएशन है। इस आइडियल सिचुएशन में इतना वाइब्रेशन आपको फील होगा क्योंकि गाड़ी एक्टिव है ना, एक्टिव कंडीशन में इतना होता है। लेकिन अगर मैं इस गाड़ी को दिखाऊँ यहाँ पे, ये गाड़ी भी पेट्रोल है लेकिन ये ऑटोमेटिक के साथ आपको देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक के अंदर कोई डिफरेंस है या फिर नहीं है वो भी आप यहाँ पे एक बार चेक कर लीजिए। देख लीजिए, ये भी 3 सिलेंडर वाला इंजन है क्योंकि ये भी पेट्रोल इंजन है। और जैसे हम इसके अंदर यहाँ पे इस चीज़ को रखे तो अभी आप देख लीजिए इतना वाइब्रेशन आपको फील होगा, पेट्रोल हो या फिर डीजल हो। मैं यहाँ पे बताऊँ दोनों गाड़ी के अंदर, पेट्रोल इंजन के साथ आपको कोई मतलब उतना ज़्यादा वाइब्रेशन फील नहीं होने वाला है। डीजल इंजन के अंदर थोड़ा सा वाइब्रेशन आता है लेकिन पेट्रोल के साथ कोई ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होने वाला है। तो ये था इंजन टेस्ट। अभी चलिए दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करके आपको चेकआउट करवा देते हैं। अभी हम दोनों गाड़ी के अंदर क्या क्या डिफरेंस दिखा देते हैं। पहले अगर आप AX5 को देखेंगे, यहाँ पे ना आपको ये गाड़ी एक वैल्यू फॉर मनी डील ऑफर किया जाता है। जितने भी यूट्यूबर्स हैं सबने बताया ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी डील है। सच में ही ये गाड़ी एक वैल्यू फॉर मनी डील है। आप फ्रंट पे देखेंगे वही जो सिग्नेचर डिजाइन है वो आने वाला है, कैमरा मॉड्यूल नहीं आता है, ये चीज मिसिंग है। लेकिन हेडलैम्प देखेंगे, यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर ऑफर किया जा रहा है, वो भी आपको कंप्लीटली व्हाइट लाइट थ्रो करेगा, DRL कुछ इस तरह डिजाइन के साथ। लेकिन मिसिंग चीज, आपको यहाँ पे कोई भी कंपनी फिटेड फॉग लैम्प नहीं आएगा, जो LED लाइट के साथ आपको ये वाला गाड़ी के साथ देखने को मिलता है। यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर कंपनी फिटेड आपको फॉग लैम्प आ रहा है लेकिन उसके साथ मिसिंग था। यहाँ पे और एक चीज आपको मिसिंग मिलेगा, यहाँ पे आएंगे ना आपको 360° कैमरा का ये कैमरा आपको यहाँ पे विजिबल होगा, लेकिन AX5 के साथ वो चीज नहीं आने वाले। लेकिन अच्छी बात, दोनों गाड़ी के अंदर ही आपको जो लाइट आएगा कंप्लीट LEDs में आएगा। टर्न इंडिकेटर देखेंगे, टर्न इंडिकेटर कुछ ऊपर का ये पैनल ग्लो करेगा, ये काफी सुंदर दिखाई देता है। अब दोनों के कलर में से आप बताइए आपको कौन सा वाला कलर ज्यादा पसंद आ रहा है। मुझे सामने से जो डिफरेंस विजिबल हुआ है, एक कैमरा मिसिंग है और एक फॉग लैम्प मिसिंग है। और एक चीज मिसिंग है, इस गाड़ी को देखेंगे यहाँ पे फ्रंट पे ना सेंसर आ रहा है, 2 सेंसर दोनों तरफ ऑफर किया जा रहा है लेकिन ये सेंसर इस गाड़ी के साथ मिसिंग है। दैट मींस यहाँ पे 3 चीज टोटल मिसिंग आपको
देखने को मिलता है। यहाँ पे नंबर वन चेंज, आपको यहाँ पे कोई भी सेंसर नहीं आ रहा है। नंबर टू चेंज, आपको यहाँ पे उस गाड़ी के साथ कोई भी कैमरा फ्रंट पे नहीं आ रहा है, लेकिन ओनली आपको रियर पे देखने को मिलता है। और तीसरी चीज, आपको यहाँ पे कंपनी फिटेड फॉग लैंप नहीं आ रहा है। ये था फ्रंट से डिफरेंस। अब चलिए साइड दिखा देते हैं। अब साइड पे जो डिफरेंस है, X5 को देखेंगे, इसकी साइड अगर आप नोटिस करेंगे, यहाँ पे जो व्हील आ रहा है, ये व्हील आपको 16 इंच का ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पे आपको जो डायमंड का डिजाइन आ रहा है, पहले जो XUV300 आ रहा था वहां पे टॉप वेरिएंट के साथ ये डिजाइन ऑफर किया जाता था। अभी रिसेंटली जो गाड़ी आपने देखा इलेक्ट्रिक गाड़ी इनका, जो XUV400 है, उसके साथ भी ये पैटर्न आपको देखने को मिलता है। वो चीज आपको यहाँ पे बरकरार रखी गई है, कोई चेंजेस नहीं है। अच्छी चीज, अगर आप पीछे आएंगे ना, मैं पीछे बुलाऊंगा, यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे देखेंगे पीछे आपको डिस्क प्लेट भी विजिबल होने वाला है, क्योंकि गाड़ी काफी छोटा है, 7.4 मीटर है, कॉम्पैक्ट SUV, लेकिन फिर भी गाड़ी के अंदर आपको सामने भी डिस्क ऑफर किया जा रहा है, गाड़ी के अंदर आपको पीछे भी डिस्क ब्रेक ऑफर किया जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे ब्रेकिंग के मामले में आपको एकदम टॉप नोच देखने को मिलेगा। आप अगर यहाँ पे देखेंगे X7L है, X7 एंड X7L दोनों गाड़ी के साथ आपको यहाँ पे 17 इंच का टायर ऑफर किया जा रहा है। एक साइज बड़ी टायर आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है, गुडियर का टायर यूज की गई है। और टायर प्रोफाइल देखेंगे 215/55 R17। यहाँ पे ये जो पैटर्न है कंप्लीट अलॉयज है, थोड़ा सा EV इंस्पायर्ड आपको देखने को मिलेगा, और ये दिखने में थोड़ा सा ज्यादा ही प्रीमियम आपको डेफिनेटली फील होगा। तो डिफरेंट साइड पे ये टायर साइज बड़ी है, एक साइज बड़ी आते हैं, और ये जो 17 इंच का व्हील आपने अभी अभी देखा, ये सिर्फ और सिर्फ XUV, ये जो 3XO है, इसके अंदर फर्स्ट टाइम सेगमेंट में यूज की गई है। इस कैटेगरी में जितने भी गाड़ी आते उन गाड़ी के टॉप वेरिएंट के साथ भी आपको 17 इंच नहीं आने वाला, जो इस गाड़ी के साथ आपको ऑफर किया जा रहा है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रियर प्रोफाइल। लेकिन उससे पहले मैंने एक चीज आपको दिखाया था, इंजन ना, इंजन के अंदर ये TCMPFI पेट्रोल इंजन है, ये भी टर्बो इंजन ही था, और ये इंजन TGDI पेट्रोल इंजन है, उसकी कंपैरिजन में यहाँ पे टर्बो को थोड़ा सा ज्यादा ही देखने को मिलता है। तो इंजन नॉइज एंड वाइब्रेशन दोनों के अंदर सिमिलर आते हैं, कोई डिफरेंस आपको नहीं आने वाला है, पेट्रोल इंजन काफी स्मूथ होते। अब पीछे आ जाइए, आइए रेयर प्रोफाइल पे। अच्छी बात, आपको यहाँ पे X5 वेरिएंट के साथ कनेक्टिंग टेल लैंप ऑफर किया जा रहा है, उसके अपर जो वेरिएंट आते हैं वहां पे तो मिल जाते हैं। ये जो कनेक्टिंग टेल लैंप है, ये हमने देखा था MX3 प्रो जो वेरिएंट आते हैं वहां से बेसिकली चालू हो रहा है। पीछे देखेंगे यहाँ पे आपको सिर्फ रेयर पार्किंग कैमरा X5 के साथ ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पे पीछे दो सेंसर आपको ऑफर किया जा रहा है, हाँ यहाँ पे दो सेंसर मिलेगा। दैट मीन्स इस गाड़ी के साथ सिर्फ दो ही सेंसर आते हैं पीछे, लेकिन इस गाड़ी के साथ पीछे दो सेंसर आने वाला है और सामने भी दो सेंसर। दैट मीन्स इस गाड़ी के साथ टोटल आपको चार सेंसर ऑफर किया जा रहा है। इस गाड़ी के पीछे देखेंगे यहां पे भी कैमरा विजिबल हो रहा है, क्योंकि इस गाड़ी के साथ 360 डिग्री कैमरा आता है, क्योंकि ये X7 लग्जरी पैक है। अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे यहां पे ना, X5 वेरिएंट ज्यादा वेल फॉर्मिंग क्यों है, उसके पीछे रीजन है। यहाँ पे क्लोज आके देखेंगे डिफॉगर आ रहे हैं, वॉश ऑन वाइपर भी ऑफर किया जा रहा है, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी आ रहा है, इंटीग्रेटेड आपको बहुत ही खूबसूरत एक स्पॉइलर ऑफर किया जा रहा है। ऊपर देखेंगे यहाँ पे नॉर्मल वाला एंटीना आ रहा है, कोई भी शार्क फिन एंटीना नहीं आ रहा है। अगर आपके मन में क्वेश्चन होगा कि ये मिड वेरिएंट था, दैट मींस यहाँ पे नहीं आ रहा है शार्क फिन, लेकिन टॉप वेरिएंट देखेंगे यहाँ पे भी शार्क फिन मिसिंग है। दैट मींस इस गाड़ी की किसी भी वेरिएंट ले लीजिए, आपको शार्क फिन एंटीना नहीं आएगा। लेकिन अगर आप X7 पे जाएंगे तो आपको ड्यूल टोन का ऑप्शन देखने को मिलता है। फिलहाल ये गाड़ी एक बहुत ही खूबसूरत ब्लू कलर है, लेकिन रूफ देखेंगे यहाँ पे मैट ब्लैक का इस्तेमाल की गई है। अभी चलिए दोनों गाड़ी की ना सेपरेटली आपको बूट स्पेस चेकआउट करवाऊंगा, वहां पे कोई डिफरेंस एक्चुअल में है या फिर नहीं है। इस गाड़ी का देखेंगे तो पहली बात, आपको यहाँ पे ये जो बटन है इसको ढूंढने में थोड़ा सा दिक्कत आई थिंक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे बूट स्पेस एज पर कंपनी क्लेम्ड 364 लीटर है। दैट मीन्स यहाँ पे हमने पहले वीडियो में दिखाया था तीन लगेज आ रहा था, एक फुल साइज, एक मिड साइज, एक छोटा साइज, तीनों लगेज इसके अंदर काफी आराम से इसके अंदर फिट हो जाते, लेकिन यहाँ पे आपको पार्सल ट्रे नहीं दिख रहा है, पार्सल ट्रे आपको अलग से परचेस कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे 60-40 स्प्लिटेबल सीट्स आ रहे हैं। यहाँ पे अच्छी बात, इस वाला वेरिएंट के साथ भी आपको यहाँ पे एक डेडिकेटेड हेडरेस्ट मिड वाला पर्सन के लिए भी ऑफर किया जा रहा है। अब स्पेयर व्हील देखेंगे, यहां पे कॉस्ट कटिंग नहीं है, 16 इंच का स्पेयर व्हील ही आपको यहां पे देखने को मिलेगा। अच्छी चीज, आपको काफी यूटिलिटी यूजफुल चीज मिलेगा। यहां पे देखेंगे आपको हुक्स आ रहे हैं ऊपर की तरफ, ये 7 किलो तक मैक्सिमम खींच सकते हैं। यहां पे देखेंगे ये 5 किलो तक मैक्सिमम खींच सकते हैं। ये चीज आपको दोनों तरफ ही सेपरेटली ऑफर किया जा रहा है, तो काफी अच्छी डील है। और इंटीरियर का ओवरऑल ये जो लेआउट है, ये आपको व्हाइटिश मतलब एक बेज कलर के साथ देखने को मिलता है। ये था इसका रियर प्रोफाइल, मैंने दिखा दिया। अब इस गाड़ी को देखेंगे, यहां पे एक चीज डिफरेंट मिलेगा, यहां पे X7L की ब्रांडिंग आ रहा है, लेकिन नीचे के वेरिएंट के साथ ये चीज नहीं आता है। अब यहां पे बूट स्पेस देखेंगे, यहां पे भी पार्शियल ट्रे नहीं विजिबल हो रहा है, 60-40 सीट्स तो आ रहा है, लेकिन यहां पे सेंटर पर्सन के लिए जो हेडरेस्ट आ रहा है, ये हेडरेस्ट की कलर मतलब ओवरऑल इंटीरियर की मतलब आगे से अगर आप देखेंगे इसकी ओवरऑल जो जितने भी सीट्स आ रहे हैं सब कुछ बेज कलर के साथ मतलब थोड़ा सा लाइटर शेड में ऑफर किया जा रहा है। 60-40 स्प्लिटेबल सीट्स भी आ रहे हैं। यहां पे देखेंगे एक सबवूफर भी ऑफर किया जा रहा है एंड एक लगेज लैंप भी आपको यहां पे डेडिकेटेडली देखने को मिलेगा।
यहाँ पे भी हुक्स वगैरह सेपरेटली दोनों तरफ आपको क्लियरली विजिबल होने वाले, लेकिन यहाँ पे नीचे देखेंगे जो स्पेयर टायर रहेगा, ये स्पेयर टायर 16 इंच का है। 16 इंच का स्पेयर टायर इस गाड़ी के साथ आप कॉस्ट कटिंग बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कंपनी फिटेड 17 इंच का आ रहा है। अभी चलिए दोनों के इंटीरियर वन बाई वन चेकआउट करवा देते। चलिए अगर हम AX5 वेरियंट से शुरुआत करें तो आप पहले देखेंगे यहाँ पे डोर हैंडल्स बॉडी कलर है, यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर वियर है, दैट मीन गाड़ी के साथ आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ऑफर किया जाए। अगर आप डोर की वाइड एंगल देखेंगे, आप यहां से आ जाइए, यहां पे देख लीजिए डोर की जो ओपनिंग एंगल है काफी शानदार देखने को मिलेगा। यहां पे चारों पावर विंडोज की कंट्रोल आ रहा है, ऑटो अप एंड ऑटो डाउन दोनों फंक्शन ही आ रहे हैं। वन टच में कुछ इस तरह आप ऑटो अप भी हो जाएगा एंड वन टच में कुछ इस तरह ऑटो डाउन का फंक्शन भी इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ आपको ऑफर किया जा रहा है। आप यहां पे देखेंगे AX5 वेरिएंट से ही आपको यहां पे ड्राइवर साइड सीट हाइट एडजस्टमेंट आ रहा है, इसके नीचे वेरिएंट पे नहीं आते। और आप अगर क्लोज आके देखेंगे यहाँ पे ना जो बटन्स आ रहे हैं, ये बटन्स बेसिकली आपको क्रूज कंट्रोल के लिए ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पे भी कुछ बटन्स आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन लेफ्ट साइड पे जहाँ पे कॉन्जेस्टेड वाला एरिया वहां पे दिया गया है, राइट साइड पे यहाँ पे इतना जगह है लेकिन यहाँ पे फिर भी नहीं आते। और यहाँ पे दिखाओ तो आप एक क्लोज आके देखेंगे ना आपको यहाँ पे आइडियल स्टार्ट स्टॉप की बटन ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पे और फॉल्स डमी एरिया है और कुछ नहीं आता है। यहाँ पे देखेंगे जो इंफोटेनमेंट की साइज ऑफर किया जा रहा है, ये साइज काफी ह्यूज आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर की ये जो रिजोल्यूशन आपको ऑफर किया जा रहा है, ये काफी प्रीमियम, हमने 120/700 के साथ जैसा देखा था वैसा ही ऑफर किया जा रहा है। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही इसके अंदर सपोर्ट कर जाते हैं काफी आराम से। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा ग्लॉसी वाला एलिमेंट है, ग्लोब बॉक्स साइज देखेंगे ये भी डिसेंट है, लेकिन कोई लैंप नहीं आता। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी आपको इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ मिलेगा। वेयरलेस चार्जिंग भी इस पर्टिकुलर वेरिएंट के साथ ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पे गियर स्टिक देखेंगे, 6 स्पीड का मैनुअल गियर ऑप्शन गाड़ी के साथ ऑफर किया जा रहा है, क्योंकि ये एक TCMPFI पेट्रोल इंजन है। अगर आप इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील भी देखेंगे ना, वो भी आपको यहाँ पे प्रीमियम ऑफर किया जा रहा है, क्योंकि लेदर फिनिशिंग आ रहा है, काफी अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इसके एडजस्टमेंट देखेंगे, सिर्फ टिल्ड आते हैं। यहाँ पे टेलीस्कोपी की कोई सुविधा नहीं आ रहा है। ये था इस गाड़ी की ओवरऑल इंटीरियर। और यहाँ पे सनरूफ की ओपनिंग एंगल भी आपने चेक कर लिए, ये काफी बढ़िया है, छोटा सा ही सनरूफ आ रहा है। अगर आपको फुल फ्रेम लेना है तो आपको 17 या फिर 17 एल के साथ जाना पड़ेगा। अभी चलिए रियर प्रोफाइल पे, यहाँ पे कितना स्पेस है, मतलब सेकंड रो पे अगर आप बैठेंगे यहाँ पे जितना स्पेस आ रहा है ये सफिशियंट है या फिर नहीं है। मैंने ड्राइवर साइड सीट को अपने हिसाब से एडजस्ट करके रखा, उस हिसाब से देखेंगे डील काफी बढ़िया भैया। यहाँ पे स्पेस काफी डिसेंट है, हेडरूम भी डिसेंट है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी काफी सारे वीडियो चैनल पे है। यहाँ पे एक लैंप आ रहा है, ये हैलोजन बल्ब के साथ। यहाँ पे देखेंगे एसी वेंट्स तो आ जाते हैं लेकिन रेगुलेशन नहीं आते, टाइप सी आते, यहाँ पे स्पेस आते। यहाँ पे देखेंगे 12 वोल्ट का आउटलेट भी ऑफर किया जा रहा है। ये था इस गाड़ी की ओवरऑल सेकेंड रो। यहाँ पे 3 पैसेंजर भी काफी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं क्योंकि गाड़ी की ओवरऑल विड्थ काफी बढ़िया है, मतलब काफी वाइडेस्ट है गाड़ी। ओके, अभी चलिए हम ना 17L के अंदर बैठ चुके हैं क्योंकि जगह थोड़ा सा कम है। डिटेल में मैं बैठने के टाइम पे नहीं दिखा पाया, लेकिन अभी यहाँ पे इंटीरियर देख के आपको समझ में आ चुका है क्योंकि सीट्स की जो ओवरऑल कलर है बेज कलर के साथ है और ये ना थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियमनेस डेफिनेटली दर्शाते हैं, लेकिन ये चीज आपको मेंटेन करने में थोड़ा सा तकलीफ भी हो सकती है क्योंकि जल्दी गंदा भी होने वाले। यहाँ पे एक चीज की कमी है, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है लेकिन फिर भी परफोरेशन तो आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स मिसिंग है, वो चीज ही एकलौता चीज जो मिसिंग है, बाकी सारी डिटेल्स आ जाते हैं। यहाँ पे ना वो सारे चीज जो आपने AX5 के साथ देखा था वो सारे चीज आ जाते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ आप अगर यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे अगर आप इस तरफ देखेंगे यहाँ पे ये क्रूज कंट्रोल की बटन तो आ जाते हैं, लेकिन उसी के साथ साथ एडास की कंट्रोल भी आपको यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। ये था एकलौता डिफरेंस, अदरवाइज हर एक डिटेल्स आते हैं। यहाँ पे इंफोटेनमेंट भी सिमिलर है, एक अगर आप क्लोज आके देखेंगे सिमिलर रिजोल्यूशन है। यहाँ पे भी एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सपोर्ट भी कर जाते हैं। यहाँ पे ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल भी आते, यहाँ पे हैजर्ड के डेडिकेटेड बटन भी आते, यहाँ पे ग्लॉसी वाला ट्रीटमेंट है, लेकिन डिफरेंस और एक विजिबल होगा। अगर आप डैशबोर्ड देखेंगे यहाँ पे सॉफ्ट टच मटेरियल है, ब्लैक टॉप तो है लेकिन सॉफ्ट मटेरियल है। यहाँ पे लेदर का स्टिचिंग भी आप देख सकते हो। नीचे ग्लोव बॉक्स देखेंगे, ग्रेजुअली ओपन होता है लेकिन लैंप यहाँ पे नहीं आते, लेकिन अच्छी डील आपको कूलिंग सिस्टम इसके अंदर ऑफर किया जा रहा है। ये इकलौता मतलब एक दो चीज आपको इसके अंदर एडिशनल एडस की कंट्रोल आ रहा है क्योंकि एडस गाड़ी के साथ ऑफर किया जा रहा है। X7L वेरिएंट है, X5L भी लेंगे तो आपको एडस की कंट्रोल यहाँ पे ऑफर किया जाएगा। कूलिंग सिस्टम के साथ ग्लोव बॉक्स आ रहा है, ये इकलौता चीज जो आपको इस गाड़ी के साथ डिफरेंट और थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियमनेस ओवरऑल इंटीरियर के अंदर आ रहा है क्योंकि हर एक डिटेल्स आपको लेदर के साथ आ रहे हैं। अमरेस देखेंगे, ये भी आपको व्हाइट फिनिशिंग के साथ, ये नॉन एक्सटेंडेबल है लेकिन स्पेस डिसेंट ऑफर किया जा रहा है। और हमारे पास ये जो वेरिएंट है ये ऑटोमेटिक में है, TGDI इंजन के साथ आपको 17L ऑफर किया जाते हैं।
TGDI के साथ जो ऑटोमेटिक आ रहा है ना, ये ऑटोमेटिक गियर स्टिक कुछ इस तरह डिजाइन के साथ पार्किंग रिवर्स न्यूट्रल एंड ड्राइव मोड्स ऑफर किया जा रहा है। पीछे देखेंगे दो कप होल्डर, यहाँ पे देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक बटन आ रहे, ऑटो होल्ड बटन एंड पार्किंग ब्रेक भी आपको इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के साथ ऑफर किया जा रहा है। वेलनेस चार्जिंग भी आ जाते हैं। यहाँ पे जो सनरूफ आता है, ये सनरूफ थोड़ा सा डिफरेंट है। सनरूफ के जो कंट्रोल्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट ऑफर किया जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेट रिलीज करने के लिए दो बटन दोनों तरफ ऑफर किया जा रहा है और लैंप के लिए डेडिकेटेड बटन आपको यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है और ये व्हाइट लाइट थ्रो करेगा। और सनरूफ जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये सनरूफ आपको मूनरूफ ऑफर किया जाता है। कंपनी इसको मूनरूफ बोल रहा है क्योंकि ये फुल फ्रेम आ रहा है, ये पीछे तक एक्सटेंडेड आपको देखने को मिलता है। ये सेगमेंट में फर्स्ट टाइम आपको 1.7 एंड 1.7L दो वेरिएंट के साथ 300 के अंदर आपको इतना ओपनिंग एंगल के साथ इतना बढ़िया सनरूफ आपको ऑफर किया जाता है, जिसको आप मूनरूफ भी बोल सकते हो। अभी चलिए ना फाइनल कंक्लूजन पे आ जाते हैं। ओके, अभी कंक्लूजन की बारी है। हमने दोनों गाड़ी को एक साथ फ्रेम पे दिखाने के पीछे हमारा एक ही मकसद था, ये गाड़ी तो एक वैल्यू फॉर मनी डील है, लेकिन ये गाड़ी भी इतना पैसा खर्च करके लेने की कोई सेंस बनता है या फिर नहीं बनते। देखिए, अगर आप महिंद्रा की ये जो 3XO का ब्रोशियर है उसको ओपन करके देखेंगे ना, यहाँ पे आपको एक चीज क्लियरली समझ में आएगा। यहाँ पे ये जो लेवल 2 एडास आपको ऑफर किया जा रहा है, क्लोज आएंगे ना आपको दिखाऊंगा, यहाँ पे एडास के लिए आपको यहाँ पे एक कैमरा ऑफर किया जा रहा है, सेंसर बेस्ड कैमरा है। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे नीचे एक रडार के प्लेसमेंट भी देखने को मिलेगा। ये जो एडास आपको ऑफर किया जा रहा है, ये लेवल 2 एडास ऑफर किया जा रहा है। इस एडास की वजह से आपको यहाँ पे कंपनी लगभग 1.5 लाख के आसपास चार्ज कर रहे हैं। ये 1.5 लाख रुपया एकदम रीजनेबल है, क्योंकि लेवल 2 एडास ऑफर किया जा रहा है, काफी डिफरेंट प्रीमियम एडास आपको यहाँ पे ऑफर कर रहे हैं। अगर आप गाड़ी को टर्बो इंजन जो ऑफर किया जा रहा है उसको ऑटोमेटिक में लेंगे तो भी आपको लगभग 1.5 लाख रुपया एडिशनल पे करना पड़ेगा। इसी टॉप एंड वेरिएंट को अगर आप मैनुअल में परचेस करेंगे तो इसका प्राइस बैठेगा आपको लगभग 14 लाख एक शोरूम, लेकिन ऑटोमेटिक में जाएंगे तो 15 लाख 49,000। दैट मीन्स ऑटोमेटिक के लिए आपको 1.5 लाख रुपया एडिशनल पे करना पड़ेगा। तो 1.5 लाख एडास के लिए, 1.5 लाख आपको ऑटोमेटिक के लिए, दैट मीन्स 3 लाख रुपया आपको इसके कंपैरिजन में इसके अंदर ऑलरेडी एडिशनल आ रहा है। तो कितना हुआ, इस गाड़ी का प्राइस था 10,70,000, 3 लाख ऐड कर दीजिए तो कितना बैठते हैं 13,70,000। ठीक है, 13,70,000 का तो मामला हो चुका है, लेकिन आपको डिफरेंस और एक इसके अंदर आ रहा है। यहाँ पे टर्बो इंजन TGDI पेट्रोल आ रहा है, लेकिन उसके अंदर MP5 पेट्रोल आ रहा है। MP5 पेट्रोल की पावर टॉर्क की बात किया जाए तो आपको 109 bhp का पावर एंड 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क आ रहा है, लेकिन इस गाड़ी की पावर टॉर्क आपको थोड़ा ही ज्यादा मिलेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मिलता है, क्योंकि इस TGDI पेट्रोल इंजन की पावर एंड टॉर्क आपको काफी डिफरेंट, काफी ज्यादा देखने को मिलता है। इसका पावर एंड टॉर्क आपको पावर 128 bhp के आसपास एंड टॉर्क 300 न्यूटन मीटर के आसपास, दैट मींस यहां पे पावर टॉर्क ज्यादा है, इंजन कंप्लीट डिफरेंट है, दैट्स व्हाई आपको और भी पैसा एडिशनल पे करना पड़ेगा। ये था ओवरऑल दोनों की प्राइसिंग डिफरेंस। और इसी के साथ साथ इसके अंदर आपको कंप्लीट लेदर फिनिशिंग ऑफर किया जा रहा है, हर एक जगह पे आपको लेदर ही लेदर देखने को मिल रहा है। एंड इसी के साथ साथ इस गाड़ी में ना आपको 360° कैमरा, कंपनी फिटेड फॉग लैंप, ये सारी चीज ऑफर किया जा रहा है। अलॉयज काफी बड़ी है, दैट्स व्हाई आपको यहाँ पे इतना पैसा आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा। लगभग आप मान सकते हो 4 लाख से लेकर 5 लाख के आसपास इसके अंदर आपको पैसा ज्यादा पे करना पड़ेगा। 3 लाख तो ऑलरेडी दो चीज के लिए लिया जा रहा है, इसी के साथ साथ इंजन के लिए भी आपको पैसा एडिशनल पे करना पड़ेगा, इसी के साथ साथ कैमरा, इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे ये जो फॉग लैंप, इंटीरियर कंप्लीट लेदर फिनिशिंग, इन सारे चीजों की वजह से आपको 4 लाख से लेकर 4.5 लाख के आसपास पैसा आपको इसके अंदर एडिशनल पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स इसका जो प्राइस है ये भी एक रीजनेबल प्राइस है, लेकिन हाँ सेगमेंट को देखा जाए तो सेगमेंट के हिसाब से इसका प्राइस थोड़ा सा ज्यादा आपको लगने वाला है, क्योंकि ये भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि इसके कंपटीटर जो आते हैं वो लेवल 2 एडास ऑफर नहीं करते, वो इतना बढ़िया व्हील बेस ऑफर नहीं करते, वो 17 इंच के अलॉयज ऑफर नहीं करते जो इस गाड़ी के साथ आपको मिल रहा है। लेकिन अगर आपके बजट टाइट है तो आप इस गाड़ी के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि ये गाड़ी भी काफी रीजनेबल है। इसका प्राइस 10,70,000 मैनुअल में, ऑटोमेटिक में जाएंगे तो आपको 12,10,000 के आसपास फिट बैठेगा। डीजल में भी ले सकते हो, दोनों गाड़ी के साथ डीजल का ऑप्शन भी आपको देखने को मिलेगा। डीजल में लेंगे, इसका डीजल प्राइस आते हैं आपको 15 लाख एक शोरूम, दैट मीन्स 50,000 सस्ता भी आएगा, लेकिन आपको वहां पे कोई भी ऑटोमेटिक की सुविधा इस गाड़ी के साथ देखने को नहीं मिलेगा। ये था ओवरऑल कंक्लूजन। मेरे हिसाब से बजट टाइट है तो वैल्यू फॉर मनी डील आपके लिए यही वाला गाड़ी है, लेकिन अगर आपके बजट थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो, अगर आप सेगमेंट को ना देखे, सेगमेंट को देखेंगे, सेगमेंट के हिसाब से ये गाड़ी थोड़ा सा महंगा लगने वाला है, क्योंकि फीचर भी इसके अंदर कंपटीटर को देखेंगे सबसे ज्यादा भी ऑफर किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी भी सबसे ज्यादा है, इंजन भी सबसे ज्यादा पावरफुल इसी गाड़ी के साथ आपको देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से बजट ज्यादा है तो आप टॉप एंड के साथ भी जा सकते हो, यहाँ पे पैसा ज्यादा नहीं लिया जा रहा है, लेकिन टाइट है तो उसके साथ भी जा सकते हो। चलिए फिर वीडियो में पे खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो यहां तक पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड इसके साथ साथ हमने दोनों की जो इंजन वाइब्रेशन भी आपको चेकआउट करवाया ना, उसके अंदर मैंने इसको बताया था TC MP5 पेट्रोल इंजन, इसकी वाइब्रेशन चेकआउट करवा दिया। इसको बताया था ये है टर्बो पेट्रोल इंजन, इसका भी वाइब्रेशन चेकआउट करवा दिया। दोनों की जो वाइब्रेशन आ रहा है आइडियल वाइब्रेशन आ रहा है, कोई भी ज्यादा वाइब्रेशन दोनों इंजन अलग होने की वजह से
नहीं ऑफर किया जा रहा है, दोनों ही टर्बो है, लेकिन डीजल के साथ जाएंगे तो आपको वाइब्रेशन थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। चलिए फिर वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, वीडियो पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वीगिन एंड जय हिंद।